हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 8A से। गिवन है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 - 9A अपॉन 17 - 4Z इज इक्वल टू 4/5। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 × 2 - 9Z इज इक्वल टू 4 × 17 - 4Z मिल जाएगा हमें। देन मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2 = 10 माइनस 5 × 9 = 45Z इज इक्वल टू 17 × 4 = 68 माइनस 4 × 4 = 16Z। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -45Z प्लस 16Z इज इक्वल टू 68 माइनस 10 इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे -45 प्लस 16 माइनस 29Z इज इक्वल टू 68 माइनस 10 इज इक्वल टू 58। देन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 58 अपॉन में -29, 29 × 1 = 29 एंड 29 × 2 = 58। सो जेड इज इक्वल टू हो गया -2। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। 21 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन है 4x प्लस 7 अपॉन में 9 - 3x इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले 4 × 4x + 7 इज इक्वल टू 1 × 9 - 3x। देन हमें मिल जाएगा 4 × 4 = 16x प्लस 7 × 4 = 28 इज इक्वल टू 9 × 1 = 9 माइनस 3 × 1 = 3x। देन 16x - 3x इज इक्वल टू इधर पे हो जाएगा आके प्लस 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 - 28। देन 16 + 3 = 19x इज इक्वल टू 9 - 28 इज इक्वल टू -19। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा -19/19। सो 19 × 1 = 19। देन x की वैल्यू हमें मिल गई -1। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे गिवन है 7y + 4 अपॉन में y + 2 इज इक्वल टू -4/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे सेम, सबसे पहले हो जाएगा 3 × 7y + 4 इज इक्वल टू -4 × y + 2। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 × 3 = 21y प्लस 4 × 3 = 12 इज इक्वल टू -4y प्लस माइनस -4 × 2 = 8। -21y प्लस 4y इज इक्वल टू -8 - 12। देन हमें मिल जाएगा 25y इज इक्वल टू -8 - 12 इज -20y इज इक्वल टू हो जाएगा -20/25। कैंसिल करेंगे 4 × 5 = 4 = 20 एंड 5 × 5 = 25। सो y इज इक्वल टू मिल गया -4/5। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 22 भी सॉल्व कर लिया फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन है 15 × 2 - y - 5 × y + 6 अपॉन में 1 - 3y इज इक्वल टू 10। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इधर के ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 15 × 2 = 30 माइनस 15 × y = 15y माइनस 5 × y = 5y माइनस प्लस माइनस 5 × 6 = 30 इज इक्वल टू 10 × 1 - 3y। देन 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे प्लस 30 है माइनस 30, इसलिए दोनों कैंसिल हो गए। -15y - 5y इज इक्वल टू -20y इज इक्वल टू 10 × 1 = 10 माइनस 10 × 3 = 30y। देन 30y लेफ्ट में आएगा, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, -20 + 30 इज इक्वल टू 10y इज इक्वल टू हो गया यहाँ पे 10। देन 10y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 10/10 मीन्स 1। y इज इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1 आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन में फ्रेंड्स यहाँ पे गिवन है 2x - 7 - 5x अपॉन में 9x माइनस में 3 + 4x इज इक्वल टू 7/6। ओके फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। सबसे पहले हम ये ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हैं और इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही होंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 6 × 2x - 7x - 5x इज इक्वल टू 7 × 9x - 3x + 4x। अब फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेंगे, 2x - 7x - - + 5x देन 2x + 5x - 7x - 7x एज इट इज रहेगा, 8 × 6 रहेगा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 9x - 3 + -4x 9x - 4x इज इक्वल टू 5x - 3 × 7। ओके फ्रेंड्स, अब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 7 × 6 = 42x माइनस में 7 × 6 = 42 इज इक्वल टू 7 × 5 = 35 माइनस में 7 × 3 = 21। 42x - 35x इज इक्वल टू -21 + 42 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 42 में से 35 जाएगा 7x इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 21 प्लस 42 माइनस 21 इज इक्वल टू 21। देन x इज इक्वल टू हो जाएगा 21/7 मीन 7 × 1 = 7 एंड 7 × 3 = 21। देन x की वैल्यू यहाँ पे हो गई 3। ओके फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व किया है एक्सरसाइज 8A से। लीनियर इक्वेशन चैप्टर है फ्रेंड्स।
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो एंड आस्क एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स क्लास 7 एंड 8 आर एस अग्रवाल बुक.